हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब घर पे होंगे, ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। इज़न्ट इट दिस बर्ड ब्यूटीफुल? ये बर्ड मुझे हमेशा से ही बहुत फैसिनेट करती है और मैंने इस बार सोचा है क्यों ना इस बर्ड को पेंट किया जाए। तो इसकी जो बीक है ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैंने इसको ट्राई दिया है एक, तो अगर आप भी चाहते हो मेरे साथ इसको पेंट करना, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको मैं अब थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम इक्ता है, वेलकम टू माय चैनल रेनबो डॉट्स बाय इक्ता करना। ड्राइंग, कलरिंग, पेंटिंग ये सब मेरी हॉबीज़ है और मैं ये सब कुछ अपने फ्री टाइम में क्रिएट करती रहती हूँ और यूट्यूब के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिएगा। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो यहाँ पे ये जो मैंने कलर्स इस पेंटिंग में यूज़ किए हैं, रेड, गोल्डन येलो, लेमन येलो, ब्लैक, डार्क ग्रीन, सिरिलिन ब्लू, वाइट। 6 नंबर का फ्लैट ब्रश, 2 राउंड ब्रशेस, 2 नंबर एंड 0 नंबर, 1 फ्लैट ब्रश एंड 1 फिलबर्ट ब्रश। दोनों का नंबर 2 है और आप फ्लैट ब्रश और फिलबर्ट ब्रश में देख सकते हो, फ्लैट ब्रश आगे से फ्लैट होता है, इसके ब्रिसल्स, और फिलबर्ट के ओवल होते हैं। मैं अपने कलर्स और इन ब्रशेस की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे बाद में जाके इजीली चेक कर सकते हो। तो मेरी ये टुकैन बर्ड की ड्राइंग रेडी है और मैं सबसे पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करूँगी। तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड के लिए एक डार्क कलर क्रिएट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने डार्क ग्रीन, रेड एंड गोल्डन येलो को मिक्स करके एक डार्क ब्राउन कलर बनाया है और उसमें थोड़ा सा मैंने वाइट कलर ऐड किया है। और उसके बाद मैं अपने बैकग्राउंड में जो कलर्स हैं रेंडमली करने वाली हूँ। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैंने कोई कलर मिक्स नहीं किया है, मैं सीधा कैनवस पे ही कलर मिक्स कर रही हूँ। तो इससे मुझे शेडिंग मिल जाएगी। तो जब मेरे कैनवस पे मैं जगह जगह इसको जब करूँगी अलग, क्योंकि कभी मैं डार्क कलर पिक कर रही हूँ, कभी मेरा येलो ज़्यादा हो रहा है, तो एक शेडिंग इफ़ेक्ट आएगा। अगर मैं पहले से ही एक अपना ग्रीन कलर प्रिपेयर करके वो करूँगी तो वो फ्लैट लुक आएगा। मुझे इसमें शेडिंग चाहिए थी, इसलिए मैं रेंडमली कलर्स को पिक करके इसमें शेडिंग मैंने क्रिएट की है। सो जब मैंने इसको पेंट किया तो आई रियलाइज्ड कि जो मेरा बर्ड है वो भी डार्क कलर का होगा। तो मैंने फिर इसको डिसाइड किया कि थोड़ा सा इसको लाइट किया जाए, स्पेशली बर्ड के अराउंड, बर्ड के जो अराउंड एक ब्राइटनेस मुझे चाहिए। तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा येलो कलर ऐड करके अपने इसमें ब्राइटनेस ऐड करी है। मैं बर्ड को पेंट करना स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले इसकी आईज से स्टार्ट करूँगी। सो आईज का कलर ब्राइट ऑरेंज रहेगा और जो आईबॉल का कलर है वो हमारा ब्लू में रहेगा। तो इसके लिए जो कलर आप पैलेट में देख सकते हो जो मैंने पिक किए हैं, और ऑरेंज कलर की शेडिंग के लिए मैं एक डार्क और लाइट कलर, 2 ब्राउन के शेड्स क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने ये ब्राउन का शेड क्रिएट किया है रेड, येलो एंड ग्रीन को मिक्स करके। तो आइज़ की डिटेलिंग के लिए ये मैं ऑरेंज के साथ ब्राउन कलर यूज़ करूँगी और आईबॉल के लिए मैं इधर आपका ब्लू कलर यूज़ करूँगी। ये आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में इधर एक्सप्लेन करूँगी कैसे मैंने वर्क किया है। सो मेन वर्क इसकी आइज़ और बीक में ही रहेगा, बाकी बॉडी में क्योंकि ब्लैक कलर की है इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बट हाँ इसकी बीक और आइज़ में थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और मैं आप लोगों के फीडबैक्स पढ़ के थोड़ा सा अपने वीडियो के ऊपर वर्क कर रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दें कि कैसे मैं अपने वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्या मैं इसमें और ऐड करूँ कि जो बिगनर्स हैं या जो आप अगर पेंटिंग क्रिएट करें और आपको डिफ़िकल्टी होती है वो आपको ना हो। सो आई एम स्टिल इन अ लर्निंग प्रोसेस, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा भी लर्निंग प्रोसेस ही चल रहा है, मैं वीडियोस बना के ही लर्न कर रही हूँ। सो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे फीडबैक दें। तो ना मैं आई इज़ रेडी, अब मैं बीक के ऊपर मैंने वर्क स्टार्ट किया है। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा मैं इसमें कलर मिक्सिंग कैसे कर रही हूँ। मैंने पहले येलो कलर किया और मैंने बहुत स्लाइटली सा ऑरेंज कलर इधर एजेस पे डाला है और अब मैं अपने फिलबर्ट ब्रश की हेल्प से वो वाला मेरा ब्रश जिसके आगे से ब्रिसल्स ओवल हैं, उसकी हेल्प से कलर मिक्स करूँगी। तो दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट ब्रश। मुझे ये कलर मिक्सिंग करने में बहुत कन्वीनियंट लगता है इससे, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। ये देखने में फ्लैट ब्रश होता है लेकिन इसके ब्रिसल्स आगे से ओवल होते हैं, ये कर्व शेप में होता है। तो मैक्सिमम मेरा जो बीक में मिक्सिंग रहेगी मैं फिल्बर ब्रश से ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट लगा रही हूँ सो दैट, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट इफेक्ट देना है येलो का। इट्स लाइक ये लाइट येलो, येलो एंड देन फिर में हमारा ब्राइट ऑरेंज कलर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ग्रेडियंट इफेक्ट देने के लिए मैं ब्राइट वाइट येलो इस सीक्वेंस में पेंट करूँगी बीक को। बीक हमारी रेडी हो चुकी है और अब मैं इसके नेक के अराउंड वाइट पोर्शन में कलर कर रही हूँ। तो जो इसके जो लोअर नेक रहेगा वहाँ पे मैं वाइट के साथ बहुत लाइटली सा ऑरेंज कलर मिक्स करूँगी और थोड़ा सा येलो कलर मिक्स रहेगा। तो बहुत स्लाइटली सा, जब ये मेरा वाइट कलर वेट है तभी मैं ये दोनों कलर्स इसके ऊपर अप्लाई करूँगी और अपने फिल्बर्ट ब्रश से उसकी कलर मिक्सिंग कर दूँगी। सो नाउ माई पेंटिंग इज़ रेडी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय।